गाइस वेलकम टू माय चैनल एसआईएफएल एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं बनाकर दिखा हूँ ये रहा हमारा आई लव इंडिया। तो इस वीडियो में इसका फुल मेकिंग में वीडियो दिखाया हूँ किस तरह हम इसे बनाएंगे और ये देख सकते हैं इसका डे का लुक कुछ इस तरह के है। तो फ्रेंड काफ़ी अमेजिंग लगता है इसे देखने में, पूरा आई लव इंडिया का तरह दिख रहा है। और अगर जब इसकी नाइट की बात करूँ नाइट का लुक फ्रेंड काफ़ी अमेजिंग लगेगा। तो फ्रेंड इसके मैं नाइट का लुक पहले दिखा देता हूँ उसके बाद इस वीडियो को मतलब इसका मेकिंग वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड आप मैं इसे दिखाता हूँ इसका नाइट का लुक। तो ये रहा इसका स्विच को मैं ऑन कर लेता हूँ तो देख सकते हैं अभी इसका जो जल गया, लेकिन इसका ऊपर का मैं यहाँ पे लाइट को ऑफ कर दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं ऊपर का लाइट का यहाँ पे बंद कर लिया हूँ। आप इसका नाइट का लुक किस तरह से लगता है आप मुझे कमेंट में बोलें। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस इसे बनाने के लिए एक देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करके लेकर आ गया हूँ इन सारे लेटर को। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं पेपर के ऊपर मैं यहाँ पे प्रिंट आउट किया हूँ और इसी के साइज के पेपर को यहाँ पे कटिंग कर लिया हूँ। तो इसका जो हाइट है फ्रेंड ये हमारा 89 mm का है। तो इसी तरीके से इस हार्ट को भी देख सकते हैं ये भी हमारा इसी तरीके से मैं इसे कट किया हूँ। तो फ्रेंड ये रहा हमारा सॉन बोर्ड जिसका थिकनेस है हमारा 3 mm का। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सॉन बोर्ड का यूज किया हूँ। फ्रेंड ये मैं यहाँ पे एक लेटर आपको बनाकर दिखाऊंगा पहले। तो इसे क्या करना है ना ये आई को इसके ऊपर में मुझे चिपकाना है। तो फ्रेंड चिपकाने के लिए आप फेविकॉल या फेविक्विक का नहीं यूज करें क्योंकि ये लग जाने के बाद निकलेगा नहीं। तो इसके लिए यूज किया हूँ मैं यहाँ पे डबल साइड टेप जो हमारा पेपर का है तो आपको कहीं पर भी बुक स्टोर में मिल जाएगा इजिली आपको। तो फ्रेंड इसे क्या करना है ना इसे आई के पीछे चिपकाना है। डबल साइड टेप को तो मैंने लगा दिया हूं उसके ऊपर का जो यहां पे गोम था इससे भी यहां पे निकाल देता हूं पेपर को। इसके ऊपर मैं आप ऐसे यहां पे चिपका लेता हूं। तो फ्रेंड आप भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहां पे चिपक गए। तो फ्रेंड आप इसका लेटर कटिंग करने में बहुत ही इजी हो जाएगा तो मैं इसे कटिंग कर लेता हूं फटाफट। तो कटिंग करने के लिए देख सकते हैं एक मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कटर का यूज किया हूँ। आप कोई सा भी कटर यूज कर सकते हैं आपके पास में जो अवेलेबल हो। तो चलो कटिंग कर लेते हैं इसका। लेटर को यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँ जिस तरह से हमारा पेपर में लेटर था उसी तरीके से इसे मैं यहाँ पे कटिंग किया हूँ और पेपर को मैं यहाँ से निकाल लिया हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें बिना किसी स्क्रैच के मैं इस पेपर को यहाँ पे निकाल लिया हूँ। तो फ्रेंड अब इसके मुझे चारों साइड में बॉर्डर बनाना है जिसके अंदर में हम LED को फिट करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए ये देख सकते हैं मैं कुछ पीसेस को यहाँ पे कटिंग किया हूँ। फ्रेंड इसका जो यहाँ से जो यहाँ लंबाई है ये हमारा 13 mm का और इस साइड का जो लंबाई है मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे चारों साइड में इसे लगाना है फिट करना है।
ये रहा हमारा आई जो बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बाकी पीसेस को यहाँ पे देख सकते हैं बना लिया हूँ। फ्रेंड इसे काफ़ी मेहनत लगता है एक पीस बनाने में, तो इसी तरीके से मैं और किसी का वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं ए डी और ए आई, और ये रहा हमारा हार्ट, तो हार्ट को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं बना लिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट के लिए यहाँ पे मैं राउंड करने के लिए यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे कट करके राउंड किया हूँ। इस तरीके से ए रहा हमारा एन और ए रहा हमारा ए, तो उसी तरीके से जितना बाकी कलेक्शन देख सकते हैं सारा का सारा मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, मतलब कि बना लिया हूँ। तो फ्रेंड इसे यहाँ पे क्या करना है ना, इसे और भी अच्छा लगने के लिए तो मुझे इसे कलरिंग करना पड़ेगा, तो चलो इसे फटाफट कलर भी कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइस इन सभी मैं यहाँ पे कलरिंग कर लिया हूँ, जितना लेटर है सब मैं यहाँ पे व्हाइट कलर किया हूँ उसे, और यहाँ पे एक जो हार्ट है इसमें मैं यहाँ पे कलरिंग किया हूँ रेड कलर। तो फ्रेंड देखने में रेड कलर काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड इन सारे को सजाने के लिए मतलब कि एक बेस बनाना है मुझे, तो बेस बनाने के लिए ये देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब के 6 पीस यहाँ पे काटा हूँ MDF बोर्ड। फ्रेंड इन दोनों का जो मेजरमेंट फ्रेंड मैं यहाँ पे लिया हूँ 44 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के यहाँ पे मैं 2 पीस लिया हूँ। इसके बाद में हमारा है 44 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर के यहाँ पे 2 पीस लिया हूँ, और ए वाला देख सकते हैं यहाँ पे 3 पीस जो कट किया हूँ, ए हमारा 9 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर के यहाँ पे मैं 3 पीस कट किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मैं यहाँ पे साइड में एक स्विच का यहाँ पे ग्रुप कट किया हूँ, तो मैं दिखा यहाँ से देख सकते हैं मैं बॉक्स को बना लिया हूँ, और ये रहा इसका कवर। तो फ्रेंड इसे मैं क्या करने वाला हूँ ना, स्क्रूप सिस्टम करने वाला हूँ, कभी भी इसके अंदर मैं कुछ भी ख़राब हो तो हम इजीली उसे रिपेयर कर पाएँ। तो ये रहा देख सकते हैं यहाँ पे मैं ट्राइंगल शेप का कुछ पीस यहाँ पे कट किया हूँ, जो यहाँ पे कॉर्नर में इसके लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं स्क्रूप के लिए मैं यहाँ पे होल कर लिया हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर वाले जो यहाँ पे, तो ये रहा मेरे पास स्टिकर, तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसके चारों साइड में हम यहाँ पे मैं स्टिकर को लगा दिया हूँ, इस साइड में मैं फ्लावर वाला को लगाया हूँ, और ये वाला देख सकते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो इसका जो काम था वो ख़त्म हो गया है, अब इन सारे लेटर में हम LED को फिट करते हैं। तो LED फिट करने के लिए देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक व्हाइट चैन LED का यहाँ पे यूज किया हूँ, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है हमारा। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ,
तो ये रहा हमारा एलईडी, तो खोल लो फ्रेंड्स। से क्या करना है, इसके पीछे का साइड में गोम दिया गया है, इसको पेपर हटाने से पीछे का साइड में गोम है। तो फ्रेंड इसी तरीके से मैं यहाँ पे ए वाला एन में यहाँ पे फिट करके दिखाऊंगा किस तरह से हम इस एलईडी को इसके अंदर और फिट करेंगे। तो बाकी सारों को यहाँ पे मैं साइड में रखता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर में मैं यहाँ पे एलईडी चैन का पे फिट कर दिया हूँ, और ये रहा उसका मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनपुट के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मैं काफ़ी पतला वायर यूज़ किया हूँ, ये मेरा एलिमेंट खराब एलिमेंट से इसे मैं निकाला था ट्रांसफार्मर से। तो देख सकते हैं काफ़ी पतला पतला वायर है, तो इसी का यहाँ पर मैं यूज करूँगा इस वायर को। देख सकते हैं इस एलईडी को कंप्लीट कर लिया हूं, तो आप इसे चेक करके देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है या नहीं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कंटिन्यू नहीं जलता है, मतलब के दब दब होता है। तो फ्रेंड यहां पे जो एलईडी था वो मेरा खराब हो गया है, तो फ्रेंड फिर से इसे बदलना पड़ेगा। तो फ्रेंड अभी मेरे पास और एलईडी नहीं है व्हाइट एलईडी, तो इसके लिए ये देख सकते हैं ग्रीन एलईडी है, तो मैं इसी ग्रीन एलईडी को फिर से यहाँ पे लगाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे एलईडी को चेंज कर दिया हूँ, जो व्हाइट था यहाँ पे मैं ग्रीन एलईडी लगाया हूँ, तो इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं हमारा एलईडी जो था यहाँ पे जल गया है, मतलब कि कंटिन्यू जल कर रहता है। फ्रेंड इसके ऊपर ये देख सकते हैं मुझे यहाँ पे डिफ्यूजर पेपर को इस तरह से लगाना है। फ्रेंड ये आपको फैन बैंडिंग शॉप में इजिली मिल जाएगा, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे फिट करूँगा। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ इसका साइज का। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे एन को कट कर लिया हूँ, तो इसमें यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ। तो इसे चिपकाने के लिए देख सकते हैं ये रहा हमारा स्टेट ग्लू, इससे मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ फटाफट। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसे मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हूँ, बाकी को भी देख सकते हैं ये सारा को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हूँ, क्योंकि बहुत मुझे टाइम लगा है इन सभी को मुझे बनाने में। तो ये रहा जो मैं हार जो दिख रहे हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर भी मैं सेम पेपर लगाया हूँ, खाली कलर यहाँ पे स्प्रे कलर कर दिया हूँ रेड कलर। तो अब ये रहा हमारा बेस, तो इसके ऊपर सब फटाफट मैं यहाँ पे फिट कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं नज़दीक से थोड़ा दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक का सीधा मैं यहाँ पे होल कर दिया हूँ वेयर के लिए, तो आप भी यहाँ पे देख कर होल कर सकते हैं। तो चलो इसमें फिट करते हैं।
जी का अलग से दे जाए। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसे मैं यहाँ पे फेब्रिक से चिपका दिया हूँ। अब इसका कनेक्शन करना है फ्रेंड, कनेक्शन काफ़ी इजी है। इसका जो हमने पैरेलल कनेक्शन करना है तो मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ पैरेलल में। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं इसका यहाँ पे वायर अंदर के साइड में यहाँ पे निकल गए, तो इसका कनेक्शन कर लेता हूँ फ्रेंड। कनेक्शन का वीडियो नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि अगर जब मैं दिखाऊँगा तो फ्रेंड ये यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो इसका कनेक्शन का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन जो हो गया है सब पैरेलल कनेक्शन। तो ये रहा इसका पॉजिटिव पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट। तो ये रहा हमारा 12 वोल्टेज डीसी सॉकेट जो इसमें इनपुट के लिए, और ये रहा हमारा स्विच। तो चलो इसे कनेक्शन कर लेते हैं। तो फिर ये देख सकते हैं इसका स्विच कनेक्शन कर लिया हूँ, तो आप मैं इसी वायर को अंदर घुसा देता हूँ। तो इसके बाद में मुझे आप 12 वोल्ट का यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो इसे भी मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं इसका यहाँ पे सॉकेट को लगा दिया हूँ 12 वोल्ट, और इसका नीचे का कवर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं इसका टेस्टिंग वगैरह आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं इसका पहिया और इसका पैर दोनों में आप कोई भी कह सकते हैं, तो इसे मैं फिट कर लेता हूँ साथ। देख सकते हैं फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत देर के बाद काफ़ी से टाइम लगा इसे बनाने के लिए। तो चलो इसे मैं दिखा देता हूँ टेस्ट करके। तो ये रहा 12 वोल्ट अडैप्टर, तो इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड आप मैं इसे ऑन कर लिया हूँ, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं अब तक देखा नहीं हूँ इसे। तो फ्रेंड इसका ऊपर का जो लाइट है मैं उसे अभी ऑफ कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ऊपर का लाइट को मैं यहाँ पे ऑफ कर दिया हूँ, आप देखने में कैसा लगता है मुझे कमेंट में बोलें। हेलो इंडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बोले, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।